नमो नमः। अद्य पाठशीर्षक अस्ति साहित्यदर्पणस्य दशम परिच्छेदस्य अलंकारः। निर्दिष्ट अलंकार लक्षणं निरूप्य तस्य काव्ये किं प्रयोजनम् इति प्रतिपाद्यताम्। अलं करोति इति अलंकारः, आभूषितं करोति इति अलंकारः, अलं क्री धातो भय योगेन अलंकार शब्द सिद्ध्यति। लेकिन भाषायाम अलंकार शब्दस्य अर्था ऐरुम अर्थात स्वर्णम विद्यते। आभूषित करणमेव अलंकार, अलंकार काव्यस्य महत्वपूर्णम अंगम वर्तते। अलंकृति अलंकार, अलंकारों नाम सौंदर्यम यथा कटक कुंडल हारादि भी आभूषण है कामिन्या सौंदर्य वृद्धि भवति। तथैव अनुप्राश उपमादिभिः अलंकारे कविता कामिन्या हाशो वा वर्धनम् क्रियते। अलंकारस्य त्रयो भेदाः, अलंकारः शब्दालंकारः, अर्थालंकारः, उभयालंकारः। अर्थाद्र साधुत्कर्ष जनकत्वे सति अतिशय शोभाति साई काव्ये धर्मत्वम् अलंकारत्वम् उक्तं च साहित्य दर्पणे शब्दार्थ योर स्थिरा ये धर्म शोभाति साईनः रसादि नुक्रवंतो अलंकारास्ते अंगादिद्वत् इति। यथा अंगादयः, अंगादयः शरीर शोभाति साईनः शरीरेण मुक्रवन्ति तथा अनुप्रासो परमादयः शब्दार्थ शोभाति साईनो रसादे रूप कारकाः। अलंकार अस्थिरा संबंध संयोग भवति नैषां गुणवद गुणवद आवश्यकी स्थिति। अर्थात गुणपि रसोत्कर्षाः सन्ति हि किंतु ते रसस्य स्थिरा धर्मा स्वरूप विशेषाः सन्ति। गुणासह रसस्य समवाय संबंधः अस्ति। अलंकारश्च शब्दार्थ यो स्थिरा धर्मा शब्दार्थ द्वारेंच रस मुत्कर्षयन्ति। शब्दार्थो सहितो काव्यम् इति भामा कथने स्पष्टं भवति यत् सत्यं शिवं सुंदरम् इत्यत्र चरण तत्त्वं सुंदरमेव वर्तते। शिव सुंदर योश्च तदा सत्येन सह संयोगे भवति तदा संसारे मंगलोदया भवति। ते आचार्य गुण रस रीति भावादि विषयाः अलंकारस्य अंतर्गते मन्यन्ते। भगवान शंकर अलंकारशास्त्रस्य शिक्षणं सत्प्रथमं ब्रह्मणे दत्तवान्। ब्रह्मा च देवेभ्यः कतिभ्यश्च ऋषिभ्यश्च तच्छिक्षां दधौ। तदनुसृत्याष्टादश ब्रह्म शिष्या अष्टादशस्व धिकरणेषु शास्त्रमिदं निबद्धवन्तः। नन्दिकेश्वरो रसं धीषणो दोषान् उपमन्युर्गुणान् भरतश्च रूपकाणि निरूपितवान्। उपकुर्वन्ति ते सन्तं ये अङ्गद्वारं जातुचित् धारादिवलङ्कारा अस्ते अनुप्राशोपमादयः। ये वाच्यवाचक लक्षांगा लक्षानातिशय मुखेन मुख्यरसं संभव णिमुपकुर्वन्ति ते कंठाद्यंगा नामुत्कर्षाधान द्वारेण शरीरोनुपकारकाहारादय इव लंकारः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं। वदतु संस्कृतं।